नमस्कार, आर्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ साक्षी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और ऐसे में भारत सरकार वहां फंसे देशवासियों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस कड़ी में इंदौर, उज्जैन और धांधला के 6 छात्र इंदौर पहुंचे। परिजनों के साथ सरकार और प्रशासन भी इनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंची। युद्ध के चलते कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर एक भारतीयों को स्वदेश ले जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। इंदौर, धांधला और उज्जैन के 6 छात्र शाम की फ्लाइट से इंदौर पहुंचे, जहां इन बच्चों के परिजनों ने उनकी अगवानी की। अपने बच्चों को सकुशल देख परिजनों के आंसू छलक आए। सकुशल स्वदेश लौटे इन छात्र छात्राओं ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कई भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं। यूक्रेन से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं भारत सरकार और एम्बेसी पूरी गंभीरता से इन बच्चों की मदद कर रही है। यह अधिकांश बच्चे यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध का खौफ और तनाव इन बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आया। वहीं बच्चों के अभिभावक सबसे ज़्यादा राहत में दिखे और उन्होंने बच्चों की सकुशल वापसी में शामिल रहे लोगों को सभी को धन्यवाद दिया। इन बच्चों की अगवानी के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व पार्षद दीपक जैन, टीनू सहित प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे थे। इन सभी ने बच्चों से यूक्रेन के हालातों पर बात की, साथ ही उन्हें आई परेशानी को लेकर भी चर्चा की। सांसद लालवानी ने बताया कि अभी भी कई बच्चे वापस आने की कतार में और लगातार भारत सरकार उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि यूक्रेन और रोमानिया की सीमा के नज़दीक इस समय कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। यहाँ युद्ध के साथ ही भारतीय बर्फबारी से भी जूझ रहे हैं। भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, किरेन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह व्यवस्था संभाल रहे हैं। हम लोग टर्नोपल से वहाँ पे बॉर्डर पर आए, तो बॉर्डर पे बहुत ट्रैफिक था, मतलब 30 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था। तो हम वहाँ पर रुके, हम लोग 30-35 किलोमीटर चले। हाँ, फिर हमको चेक पॉइंट हम लोग को मिला, वहाँ पर भी बहुत मुश्किलें थी। लड़कियों के लिए तो फिर भी ठीक है, लड़कों के लिए, लड़कों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ से क्लियर करा सब कुछ। और फिर जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे, तो तब से इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया। वहाँ पे सारा कुछ उन लोगों ने रुकने वगैरह का करके रखा था और खाने पीने का। और फिर अगले दिन हमारी फ्लाइट थी। किस तरह के इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे आपको, इंडियन गवर्नमेंट की? उन्होंने पहले फिर एडवाइजरी निकाली थी, बट हमको हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हम लोग आ नहीं सकते थे वहाँ से, क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर में, हमारी क्रॉक भी थी इस बार, तो कोई चांसेस नहीं थे। अगर हमको यूनिवर्सिटी मना करती कि आप मत जाओ, तो फिर उसके बाद भी जैसे ही युद्ध का हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे ही रात में टैक्सी करवा ली थी और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। आपका पूरा नाम बता दीजिए। आर्या सोनवाने, इंदौर से। यूक्रेन में एमबीबीएस की तैयारी कर रही है, यूक्रेन के टर्नोपिल में थी। युद्ध की जब सर खबर मिली, तो किस तरह का रिएक्शन था, कैसे आपने बात की? चिंता का विषय था, हर पेरेंट्स का जो होता है। हम लोग सब चिंतित और भयभीत थे कि हमारे बच्चे बस सिर्फ 12 सुरक्षित लौट आए। अभी है बेटी, तो अब क्या? बहुत खुशी की बात है, हम यही चाहते हैं कि सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं, सेफली आ जाएं। माननीय सांसद जी अनिल फिरोजी ने काफ़ी सहयोग करा सारे बच्चों के लिए, और उनके प्रयासों से बच्चे लोग सब सेफली लौट पाए हैं। संजय यादव, उज्जैन। जो बच्चे भारत से झंडा लेके चल रहे हैं, उन्हें वहाँ पे रूस की सेना ने सहयोग किया है, उनकी मदद की है, तो क्या ये भारत रूस की दोस्ती को दिखाता है? ये बात तो सही है। युद्ध के बाद में मोदी जी की ताकत को दिखाता है कि भारत का झंडा का ताकत? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी की ताकत को दिखाता है कि जब भी हमारे भारत देश से झंडा लेके जब जाते हैं, तो उनको रूसी सेना और वहाँ के लोग मदद कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, जिसके कारण पूरे देश में इस विषम परिस्थितियों में भी उन बच्चों को मदद मिल रही है।